Diagnosis of autoimmune diseases. As we have seen that autoimmune diseases, these are very important. They have a very significance in the health point of view. Whenever, because we can say that the physiologically, under physiological condition, there is no immune response against the self antigens or self organs or self tissues. But in case of autoimmunity, there is an immune response against the self antigens, self tissues or self organs. So that is very important critically in order to rule out that that disease that is being, is it the autoimmune in nature or other form of the disease is being there. So diagnosis of the autoimmune diseases is based on the symptoms and the detection of the autoantibodies. You can say that the first important thing that is the symptoms is very important. For example, agar hum baat karte hain rheumatoid arthritis ki, so that means that there is an damage of the joints are being there. So systematically the symptoms jo hain wo kya honge, joint pains hongi, you can say that skin rash honge, you can say that or fever, it can be there that because immune response would be there. So all such kind of, you can say that the stiffness in the joints, they are also very important symptoms. Jo stiff ho jayenge joints, so that means that these are the symptoms ke clinically jo clinician hai usko rule out karega on the basis of symptoms. And afterward immunologically, whenever we talk about, so there is the detection of the autoantibodies ke wo jo autoantibodies hain against the self tissue. कौन सा सेल्फ टिश्यू है, इट डिपेंड्स. तो उसके अगेंस्ट उसकी डिटेक्शन, अगर ऑटो एंटीबॉडीज डिटेक्ट हो जाती हैं विद ऑल दो सिम्टम्स, तो इट इज़ क्लियर, इट इज़ डायग्नोस्ड दैट दिस इज दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, वेदर ऑर्गन स्पेसिफिक और इट इज़ द नॉन ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यूनिटी. ओके, द ऑटो एंटीबॉडीज कैन बी अगेंस्ट टू काइंड ऑफ एंटीजन, एज वी हैव डिस्कस्ड दैट के दो डिफरेंट किस्म की एंटीजन्स हैं जो बॉडी के अंदर, उनके अगेंस्ट दी ऑटो एंटीबॉडीज हो सकती हैं. द फर्स्ट वन इज सेल्फ सेल्स और दी सेल एसोसिएटेड एंटीजन, कि जो बॉडी के अपने सेल्स हैं, जैसे स्किन के सेल्स हैं, स्किन की एपिथीलियम है उसके सेल्स हैं, लंग्स की जो एपिथीलियम है उसके, हार्ट के, मसल्स के, इसी तरह ज्वाइंट्स के और ब्लड वेसल्स, और इवन जो ब्लड के अपने सेल्स हैं लाइक WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स, ऑल दोज कंटेन्स दी एंटीजन. तो दोज आर सेल्फ सेल्स और उनके ऊपर जो एंटीजन्स प्रेजेंट हैं दोज आर सेल एसोसिएटेड, डेट्स वाई उनके अगेंस्ट एंटीजन्स जो हैं वो डेवलप हो जाएं, सॉरी एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएं, डेट वुड बी ऑटो एंटीबॉडीज, डेट इज़ अ वन पॉसिबिलिटी. एंड द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज मीन दैट द सोलूबल एंटीजन्स. सोलूबल एंटीजन से क्या मुराद है, कि ऐसी एंटीजन्स जो कि सोलूबल हैं, मीन्स जो यू कैन से डेट जैसे फ्लोइंग स्टेट में हैं, जैसे कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि प्रेजेंट हैं बॉडी में जो कि हीमोरल हैं, लाइक जैसे हमने एग्जांपल देखी थी, जैसे थायरोग्लोबुलिन एक प्रोटीन है जो कि थायराइड में है, वो सोल्यूबल प्रोटीन है, लेकिन उसके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है. डेट इज़ नॉट सेल एसोसिएटेड, डेट इज़ नॉट सेल सरफेस एसोसिएटेड, लेकिन वो सिक्रीट आउट हो गई. तो जब वो सिक्रीट आउट हो जाएगी तो डैट मीन डैट इट विल बिकम सोलूबल एंटीजन. फॉर एग्जाम्पल जैसे रूमाटॉइड ऑर्थराइटिस में हमने डिस्कस किया द एंटीबॉडीज अगेंस्ट IgG. IgG जो है वो इट इज़ नॉट सेल एसोसिएटेड नाउ, वो बी सेल्स जो प्लाज्मा सेल्स जब उसको जनरेट करते हैं तो उसको सिक्रीट आउट कर देते हैं. तो वो जब सिक्रीट आउट हो जाएगी तो बॉडी में प्रेजेंट है इन अ सिक्रीटरी फॉर्म, सोलूबल एंटीजन्स के तौर पर वो रोल प्ले करेगी और उसके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी. डैट्स वाई यू कैन से डैट देर आर टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द एंटीजन्स विच has the potential to develop the autoantibodies. The first one is self or cells associated, or the second one is soluble antigen. Okay, the third important way, that is certain biochemical tests, they are also going to be detected in order to rule out, in order to diagnose the autoimmune disorder. So biochemical, as the name suggests, that there are certain reactions they are going to be performed. के अंडर नॉर्मल फिजोलॉजिकल कंडीशन इफ दोज रिएक्शंस दे आर बीइंग देयर, सो इन केस ऑफ ऑटो इम्यूनिटी दोज बायोकेमिकल रिएक्शन वुड बी एब्सेंट और इनअप्रोप्रिएट, यू कैन से डैट, और डीरेंज, डैट्स वाई, और कोई एंजाइम है जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन को कंटिन्यू कर रहा है, कैरी आउट कर रहा है, तो दैट एंजाइम वुड बी एब्सेंट. इट मीन्स डैट नाउ देयर इज एन एबनॉर्मल कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यूनिटी. ओके, द फर्स्ट इन द डायग्नोसिस ऑफ द ऑटो इम्यून डिजीज, द फर्स्ट इज द ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट द सेल्फ सेल और सेल एसोसिएटेड एंटीजन.
इसका मतलब है कि जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, उनके अगेंस्ट जो उन पे जो एंटीजन्स हैं, उन पे उनके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज डेवलप होंगी. तो डैट मीन डैट इन सच केस वी हैव जस्ट टू यूज़ द टिश्यूज़. जो टिश्यूज़ हैं बॉडी के, उनके जो टिश्यू सेक्शंस हैं, वो हमें यूज़ करने पड़ेंगे. लाइक किडनी है, स्किन है, हार्ट हो सकता है, मसल हो सकते हैं, ऑल एक्सेट्रा. दीज आर ऑल दी टिश्यूज़ जो कि बॉडी के हैं, उनकी सेक्शनिंग की जाएगी बाय टिश्यू प्रोसेसिंग. पहले की जाएगी टिश्यू प्रोसेसिंग, के बाद उनकी सेक्शनिंग की जाएगी, एंड आफ्टरवर्ड व्हाट वुड हैपन कि हम उसमें डिफरेंट इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक यूज़ करेंगे डैट वुड हेल्प अस के एंटीबॉडीज जो हैं वो अगेंस्ट सच एंटीजेंस और यू कैन से ऑटो एंटीबॉडीज दे आर बीइंग देयर. दी पर्टिकुलर इम्यूनोलॉजिकल डिजीज टेक्निक डैट वट वी हैव डिस्कस इन दिस केस डैट इज दी इम्यूनोफ्लोरेसेंस. इम्यूनोफ्लोरेसेंस एज अ नेम सजेस्ट डैट मीन्स इम्यूनोफ्लोरेसेंस. इम्यूनो मीन्स डैट एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स रिलेटेड टू इम्यून कॉम्प्लेक्स. फ्लोरेसेंस यू कैन से डैट इट इज द अपेरेंस ऑफ यू कैन से डैट द लाइट और फ्लोरेसेंट लाइट पर्टिकुलरली के उसके साथ जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके साथ एक फ्लोरेसेंट टैग ऐड होगा और वो फ्लोरेसेंट टैग जब हम उसे फ्लोरेसेंट लाइट में देखेंगे तो इट विल फ्लरिश, वो ग्लो करेगा. डैट इज इंडिकेटिव के ये क्या हो रहा है, फ्लोरेसेंस हो रहा है. और ये फ्लोरेसेंस इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो एंटीबॉडीज हैं वो अगेंस्ट दिस एंटीजेंस हैं, डैट्स वाई देयर इज एन रिएक्शन. एज इन द फिगर्स यू कैन सी डैट इन दीज फिगर यू कैन सी डैट देयर इज यू कैन सी डैट द फ्लोरेसेंस मीन्स आपको एक ग्रीन कलर का ग्लो नजर आ रहा है. ग्रीन डैट मीन्स डैट इसमें जो फ्लोरेसेंस टैग यूज़ किया गया है, जो फ्लोरोक्रोम जिसे कहा जाता है, जो फ्लोरोक्रोम यूज़ किया गया है उसका कलर ग्रीन है. तो जब हमने इस टिश्यू सेक्शन को डैट इज दीज आर द टिश्यू सेक्शंस जो कि किडनी के हैं पर्टिकुलरली, तो किडनी के टिश्यू सेक्शंस को जब आफ्टर ट्रीटमेंट आफ्टर प्रोसेसिंग हमने एंटीबॉडीज के साथ ट्रीट किया जो कि अगेंस्ट डैट इम्यून कॉम्प्लेक्स थी, और उनको वो जो एंटीबॉडीज हैं वो टैग थी विद फ्लोरोक्रोम और उस फ्लोरोक्रोम का कलर ग्रीन था. तो जब हमने इसको देखा यू कैन सी डैट इन दिस फिगर यू कैन सी डैट द ग्रीन कलर इज इंडिकेटिव कि यहाँ पे जो ऑटो एंटीबॉडीज हैं दीज आर प्रेजेंट, दे आर अगेंस्ट दी टिश्यू एसोसिएटेड सेल्स और एंटीजेंस और सेल एसोसिएटेड एंटीजेंस. तो डैट्स वाई जहाँ जहाँ इन द पिक्चर यू कैन सी डैट द इंटेंसिटी ऑफ द ग्लोइंग और द ग्रीन कलर इंक्रीजेस, किसी जगह पे कम है किसी जगह पे ज़्यादा है. जहाँ ज़्यादा है डैट मीन्स वहाँ पे जो ऑटो एंटीबॉडीज हैं वो ज़्यादा हैं, और जहाँ कम है डैट मीन्स डैट वहाँ पे रिएक्शन विद द ऑटो एंटीबॉडी कम है. सो डैट इज इंडिकेटिव. सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज इम्यूनोफ्लोरेसेंस इन विच वी हैव यूज द टिश्यू सेक्शन. डैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, क्योंकि इसमें हिस्टो मीन्स टिश्यू, तो ऐसा टिश्यू सेक्शन जिसमें इम्यूनोलॉजिकली वी हैव जस्ट डन रिएक्शन और फ्लोरेसेंस वी हैव जस्ट टू यूज. ओके, सो वेन एवर वी यूज टू डू सच काइंड ऑफ इम्यूनोफ्लोरेसेंस वी हैव जस्ट टू सीन द डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न्स. यू कैन सी दैट द फर्स्ट वन इज अ लीनियर पैटर्न इन केस ऑफ गुड पार्सन सिंड्रोम. इन द अपर पैनल यू कैन सी दैट जो आपको अपर पैनल में जो फिगर नजर आ रही है उसमें यू कैन सी दैट कि जो पैटर्न है, अगर आप जनरली इसका पैटर्न देखें, वो एक लीनियर पैटर्न है कि मीन्स लीनियर फॉर्म में, लाइंस की फॉर्म में. यू कैन सी दैट लीनियरली यू कैन सी दैट दी आपको जो फ्लोरेसेंट है वो अपेयर हो रहा है. डैट इज इंडिकेटिव कि ये एक लीनियर पैटर्न है. डैट इज इंडिकेटिव कि जो किडनी है जो उसमें इन पर्टिकुलरली इन केस ऑफ गुड पार्सन सिंड्रोम ये लीनियर पैटर्न आता है आफ्टर इम्यूनोफ्लोरेसेंस. ओके, सिमिलरली देर इज अनदर पैटर्न डैट इज दी ग्रेनुलर पैटर्न. ग्रेनुलर पैटर्न जस्ट लाइक डॉट्स यू कैन सी डैट डिफरेंट ग्रेन्यूल्स, स्मॉल ग्रेन्यूल्स कैन बी सीन इन केस ऑफ SLE सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस. यू कैन सी डैट इन द लोअर पैनल यू कैन सी डैट जो कि सेक्शन है, इनफैक्ट वो किडनी का एक सेक्शन है और उसको ट्रीट किया गया है विद एंटीबॉडीज और एंटीबॉडीज जो कि फ्लोरेसेंट टैग हैं. तो हियर यू कैन सी डैट जो फ्लोरेसेंट आपको ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में यू कैन सी डैट डिफरेंट पार्टिकल्स लाइक स्प्रेडिंग हुई हुई है जैसे ग्रेन्यूल्स की. दैट इज नॉट लीनियर, डैट इज ग्रेनुलर. और उसकी इंटेंसिटी डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है. जहाँ ज़्यादा है डैट मीन्स वहाँ ऑटो एंटीबॉडीज और जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है उसकी डेपोजिशन ज़्यादा है. तो इट इज़ इंडिकेटिव
So immunofluorescence is a very, very important diagnostic tool that is used to rule out all those autoantibodies against the self-tissue or self-associated antigens. Okay, then coming to the autoantibodies against the soluble antigens, because now the antigens jo hain, wo soluble hain, wo kisi tissue ke saath fix nahi hai. So ab, kyunki wo tissue ke saath fix nahi hai, you would not able to use the tissue. So that means that you have just to use the serum. So serum jo hai, jo ke blood ka component hai, us mein jo fluid hai, us mein you have just to detect those antibodies by different immunological techniques. For example, agglutination, as we have already discussed, agglutination is a reaction between antigen antibody in a soluble state. Ke means usme soluble state mein antigen antibody jab react karegi, to wo kya karengi? Wo ek complex banayengi that is called as agglutinate. Aur us agglutinate ko hum detect kar sakte hain by using, you can say that agar unke saath RBCs attach kar diye jaye to wo heme agglutination ban jayegi. Agar uske saath latex particle, that would be latex agglutination. Just or agar bacteria hai to bacterial agglutination. So particularly the example of such agglutination is anti-nuclear antibody ANA, jise kaha jata hai, jo SLE or RA, jo rheumatoid arthritis hai, usme jo antibodies generate hoti hain against the nucleus or nuclear protein, un antibodies kyunki wo systemic soluble hain, so that's why uski detection ki jati hai serum mein by agglutination. The second is ELISA, that is enzyme-linked immunosorbent assay, ek immunological technique hai, jisme rheumatoid factor ke murad diye hai, aisa factor jo ke IgG ke against antibody hai, us factor ki detection ki jati hai using ELISA. Aisi technique jisme antigen-antibody reaction hota hai, aur us reaction ki detection ki jati hai using certain enzymes, aur wo enzymes kyunke substrate use karte hain, to afterward, aur enzyme ki activity indicate karti hai ki kitna वो autoantibody present है. अगर enzyme की activity substrate की ज्यादा utilization होगी, that means कि उसकी concentration ज्यादा है, और अगर कम होगी तो it means that उसकी concentration कम है. And the last one is an RIA, that is called as radioimmunoassay. Radioimmunoassay, as the name suggests, इसमें हम radioisotope use करते हैं in order to detect the antigen antibody complex for detection of the anti-thyroid antibody. जो thyroid antibodies हैं उनके अगेंस्ट हम ये टेक्निक यूज करते हैं जिसमें रेडियो आइसोटोप यूज करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. ओके, सो द थर्ड द वे और यू कैन से दैट द मोड बाय विच वी कैन डायग्नोस द ऑटो इम्यून डिजीजेस इज द बायोकेमिकल एसे. बायोकेमिकल एसे, एज द नेम सजेस्ट, देयर आर सर्टेन बायोकेमिकल रिएक्शंस. फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर्स, इन केस ऑफ पर्निशियस एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया एक डिजीज है, यू कैन से दैट आरबीसीज की, यू कैन से दैट जिसमें जो इंट्रिंसिक फैक्टर है दैट इज बीइंग प्रेजेंट, वो उसकी एब्सेंस हो जाती है. तो उस इंट्रिंसिक फैक्टर को बायोकेमिकली वी आर जस्ट गोइंग टू डिटेक्ट यूजिंग सर्टेन सबस्ट्रेट और यूजिंग सर्टेन एंजाइम्स. अगर तो इंट्रिंसिक फैक्टर का लेवल लो होगा, दैट मीन्स के इट इज इंडिकेटिव के दिस इज द पर्निशियस एनीमिया. अगर उसका लेवल नॉर्मल होगा, डेट इज इंडिकेटिव देयर इज नो सच काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन. सो ऑल दीज कंडीशन दे आर हेल्पिंग आउट डायग्नोज सच काइंड ऑफ ऑटो इम्यून डिजीजेस. द सेकंड थिंग इज दैट द कंपटीशन फॉर द TSH रिसेप्टर, जो कि हमने ग्रेविस डिजीज में देखा था. ग्रेविस डिजीज इज एन ऑटो इम्यून डिजीज ऑफ द थायराइड ग्लैंड, जिसमें जो TSH रिसेप्टर, TSH स्टैंड फॉर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो उस TSH रिसेप्टर के अगेंस्ट वी हैव जस्ट टू यूज टू फाइंड आउट द कंपटीशन. क्योंकि अगर तो उसमें ऑटो एंटीबॉडीज होंगी तो TSH रिसेप्टर जो है ऑलरेडी इंगेज होगा और उसके साथ बाइंडिंग नहीं हो सकेगी जो हम कंपाउंड जो बायोकेमिकल सब्सट्रेट यूज करेंगे. लेकिन अगर उसकी बाइंडिंग नहीं होगी विदाउट ऑटो एंटीबॉडीज, तो डेट इज इंडिकेटिव कि वो बाइंड कर जाएगा. तो अगर तू कंपाउंड बाइंड नहीं कर रहा TSH रिसेप्टर के साथ, तो इट इज़ इंडिकेटिव कि ऑटो एंटीबॉडीज ने उसके साथ ऑलरेडी बाइंड किया हुआ है, एंड दैट इज़ द कंडीशन विच इज़ कॉल्ड एज ग्रेविस डिजीज़. ये एक बायोकेमिकल टेस्ट है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है विच इज़ इंडिकेटिव के ऑटो इम्यूनिटी और ऑटो इम्यून डिजीज इज बींग देयर. द लास्ट थिंग इज दैट इज़ द ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स, मीन्स कि जैसे हमने देखा था कि इन सार्कोइडोसिस द ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स दे आर वेरी एक्टिव, कि वो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं अगेंस्ट वेरियस ऑर्गन्स लाइक लंग्स, टिश्यू, हार्ट, मीन्स उनके अगेंस्ट. तो उन ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स को कैसे डिटेक्ट किया जाए?
उन ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स को वी कैन डिटेक्ट यूजिंग अ टेक्निक दैट इज कॉल्ड एज फ्लो साइटोमेट्री. उसमें हम उन ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स की एंटीजेंस की अगेंस्ट वी हैव जस्ट टू यूज द एंटीबॉडीज दैट इज बीइंग लेबल्ड, और उनको फिर हम डिटेक्ट करते हैं यूजिंग फ्लोइंग ऑल दो सेल्स इन अ स्ट्रीम, एंड एज अ रिजल्ट दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज फ्लो साइटोमेट्री. एंड ऑल दीज कंडीशन, ऑल दीज टेक्निक्स, दीज आर पर्टिकुलरली वेरी हेल्पफुल इन डायग्नोसिस, इन ruling out that the person is suffering from the autoimmune disorder or not.